दोस्तों, भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी इन दिनों न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं, और वो रीजन किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी ने अपने छोटे और सबसे चहेते बेटे अनंत अंबानी की शादी में पैसों को पानी की तरह बहाया। क्या बॉलीवुड, क्या हॉलीवुड, क्या क्रिकेट जगत और क्या पॉलिटिशियंस, शादी में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों में शायद ही कोई ऐसा नाम हो जो अंबानी फैमिली की इस रॉयल वेडिंग में शामिल ना हुआ हो। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, जगत गुरु शंकराचार्य से लेकर बड़े बड़े कथावाचक इस शादी में शामिल हुए। इस शादी को अभी तक की सबसे महंगी शादी भी कहा जा रहा है। अब जब शादी इतनी जोरदार हुई तो जाहिर सी बात है कि गिफ्ट्स भी बेशकीमती मिलेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही गिफ्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि अनंत और उनकी धर्मपत्नी राधिका को दुनिया भर से आए गेस्ट से मिले। नरेंद्र मोदी। दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को मुंबई में हुई थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दिन शादी में शामिल नहीं हुए, बल्कि वो अगले दिन 13 जुलाई को आशीर्वाद समारोह में अंबानी फंक्शन में शामिल हुए। जब वो वेन्यू पर पहुंचे तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर गए, और जब मोदी जी स्टेज पर पहुंचे तो अनंत और राधिका ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और पीएम ने मिस्टर और मिसेस अनंत अंबानी को गिफ्ट में भगवान का एक चित्र दिया। और अंबानी फैमिली कितनी धार्मिक है ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। पीएम ने जैसे ही अनंत और राधिका को गिफ्ट दिया तो तुरंत ही अनंत ने उसे राधिका के माथे से लगा दिया। सलमान खान। दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान अंबानी फैमिली के हर एक इवेंट पर स्पॉट किए गए हैं, फिर चाहे वो इवेंट हल्दी का हो या मेहंदी का या फिर संगीत का। और 12 जुलाई को शादी के मौके पर भी सलमान खान मौजूद थे। 12 जुलाई को सलमान और अनंत को साथ में खूब मस्ती करते हुए भी देखा गया था। और बता दें कि अनंत को बचपन से ही वॉच का काफी ज्यादा शौक है, और सलमान ने अनंत की पसंद को सर आंखों पर रखा और अनंत को उनकी सबसे पसंदीदा चीज घड़ी गिफ्ट में दी। सलमान खान ने रोलेक्स वॉच का स्पेशल एडिशन अनंत को गिफ्ट किया जिसकी कीमत 42 लाख रुपए है। अनंत के अलावा सलमान ने राधिका को एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। बागेश्वर बाबा। दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो बागेश्वर बाबा को जानता न हो। आपको बता दें कि जिस समय अनंत की शादी का कार्यक्रम चल रहा था उस समय बागेश्वर बाबा श्री राम कथा का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में था, जिसके चलते बागेश्वर बाबा ने अनंत अंबानी से कहा कि हम यहां से कथा के समापन के बाद आकर आपको आशीर्वाद दे देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अनंत के साथ साथ अंबानी फैमिली का पूजा पाठ में काफी ज्यादा मन लगता है, और वो काफी धार्मिक हैं, जिस वजह से वो हर कथावाचक के संपर्क में लगातार बने रहते हैं। और इसी वजह से अनंत अंबानी ने कहा कि आप शादी में आकर आशीर्वाद देकर वापस चले जाना। तो उस समय बागेश्वर बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से मुंबई आना और तुरंत ही वापस ऑस्ट्रेलिया आकर कथा का वाचन करना संभव नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया से भारत आने के लिए पहले हमें टिकट देखना पड़ेगा। तो अनंत अंबानी ने कहा कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, जिसके बाद अनंत ने एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन बागेश्वर बाबा को बुलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा, और उसके बाद बागेश्वर बाबा आशीर्वाद समारोह में मुंबई पहुंचे। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा ने अनंत और राधिका को राम दरबार की एक बेहद मनमोहक मूर्ति भेंट की थी। दोस्तों, अंबानी फैमिली में कोई भी प्रोग्राम हो और शाहरुख खान ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब अनंत की शादी का मई में इटली में क्रूज पर सेकंड प्री वेडिंग का आयोजन हुआ, वहां पर भी शाहरुख खान शामिल हुए, और अब शादी में भी शाहरुख खान शामिल हुए। अब दोस्तों, जब शाहरुख खान अंबानी परिवार के इतने ज्यादा क्लोज हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका गिफ्ट भी सबसे अलग होगा। शाहरुख ने अनंत और राधिका को लंदन में एक मेंशन गिफ्ट किया जिसकी कीमत $5 मिलियन यानी कि लगभग 42 करोड़ रुपए है। मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी वैसे तो एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं, और अनंत मुकेश के सबसे चहेते पुत्र भी हैं, जिसके चलते मुकेश ने अपने बेटे को शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने देश दुनिया की दिग्गज हस्तियों को अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक हर कोई मुकेश के एक बुलावे में भागे भागे अनंत की शादी में शामिल होने के लिए चले आए। मुकेश ने अपने सबसे चहेते लड़के अनंत की शादी में पैसों को पानी की तरह बहाया। एक आंकड़े के मुताबिक अंबानी ने अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। शादी से पहले मुकेश ने अनंत को रॉयल रॉयस फैंटम रॉयल कार गिफ्ट की थी जो कि एक स्पेशल एडिशन था। कस्टमाइजेशन और इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद इस कार की कीमत 28 करोड़ रुपए हो जाती है।
इसके अलावा अंबानी ने अनंत और राधिका को दुबई में सबसे पॉश एरिया पाम जुमेरा में एक विला गिफ्ट किया, जिसमें कुल 22 रूम्स हैं। इस विला में प्राइवेट बीच, जिम, मंदिर, गार्डन, 3 हेलीपैड, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, स्पा और वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी भी रखी गई है। अपने सबसे छोटे बेटे अनंत की शादी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी। शादी का फूड मेन्यू नीता अंबानी ने ही डिजाइन किया था। और नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में शादी के लिए डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीजें अरेंज होंगी, ये सब नीता अंबानी ने ही डिसाइड किया था। और शादी में किस तरह की सजावट थी, ये तो आपने रील्स या वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा, और नहीं देखा तो कोई बात नहीं। हम है ना, नीता की डिजाइन की हुई डेकोरेशन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अनंत अंबानी ने जो शेरवानी अपने शादी में पहनी थी, वो नीता अंबानी ने ही अनंत को गिफ्ट की थी। अनंत ने अलग अलग मौकों पर अलग अलग शेरवानी और सूट पहने, जो कि स्पेशली ऑर्डर पर तैयार किए गए थे। जो शेरवानी उन्होंने शादी में पहनी थी, उसे 1 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनाकर तैयार किया गया था। इस शेरवानी को 24 कैरेट गोल्ड से बनाया गया था और इस शेरवानी की कीमत 214 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा नीता अंबानी ने अपनी बहू यानी कि राधिका को नेकलेस गिफ्ट किया था। इस नेकलेस में पन्ना, मूंगा और टैंजनाइट लगे हुए हैं। इन स्टोन्स की खास बात यह है कि ये लाइट और जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेते हैं। इस नेकलेस की कीमत भी करोड़ों में थी। ईशा अंबानी, दोस्तों भाई की शादी हो और बहन उसे कोई तोहफा ना दे, ऐसा भला हो सकता है क्या? और जब बात अंबानी की हो तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। अपने प्यारे भाई की शादी को यादगार बनाने के लिए ईशा अंबानी ने भाई अनंत अंबानी और होने वाली भाभी राधिका मर्चेंट दोनों को बेहद महंगा गिफ्ट दिया। ईशा अंबानी बचपन से ही अपने भाई अनंत के बेहद करीब रही है, इस वजह से उन्होंने उनकी पसंद का खास ख्याल रखते हुए उन्हें लग्जरियस कार बेंटले बटेंगा फ्लाइंग कार गिफ्ट की है। कियारा ने राधिका और अनंत को एक ऐसा तोहफा दिया था जिसकी कीमत आकी ही नहीं जा सकती। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कियारा ने अनंत और राधिका को अष्ट धातु से बने गणेश जी और लक्ष्मी जी भेंट किए थे, और ये भेंट पाते ही अनंत और राधिका दोनों ही बहुत खुश हुए थे, और राधिका ने तो कियारा को अपने गले ही लगा लिया। दीपिका और रणबीर, दोस्तों दीपिका और रणबीर एक साथ में काफी दिनों के बाद अनंत की वेडिंग में दिखे थे, क्योंकि रणबीर इस समय मूवी की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं और दीपिका सेल्फ केयर कर रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अनंत की शादी में रणबीर ने खूब इंजॉय किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। दीपिका और रणबीर ने राधिका को प्रेंडा ब्रांड का पर्स दिया जिसकी कीमत 6 लाख रुपए थी। इसके अलावा उन्होंने अनंत को बुल्गारिया फ्लोरा का एक चश्मा गिफ्ट किया है जिसकी कीमत 55 लाख रुपए है। आकाश अंबानी, दोस्तों सनातन धर्म में बड़े भाई को पिता का रूप माना जाता है। आकाश और अनंत बचपन से ही साथ में रहे हैं, तो आकाश ने अपने भाई की पसंद और नापसंद का खास ख्याल रखा और उसे एक शानदार गिफ्ट दिया। दोस्तों अब जब इतने सारे मेहमान गिफ्ट देंगे तो जाहिर सी बात है कि रिटर्न गिफ्ट की भी बारी आती है। अनंत ने अपने सबसे क्लोज दोस्तों को एक एक वॉच गिफ्ट की है। अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया की सबसे महंगी शादी करने के बाद रिटर्न गिफ्ट में सिर्फ एक घड़ी, तो आपको बता दें कि ये कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं, इस घड़ी को अनंत ने कस्टमाइज करवाया था। इस घड़ी का नाम है ऑडोमर्स पिगट। अनंत ने ये घड़ी सलमान, शाहरुख, रणवीर सिंह समेत 25 खास दोस्तों को एज ए रिटर्न गिफ्ट दी है। इस एक घड़ी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा जो भी लोग अंबानी फैमिली की शादी में आए थे, उन सभी को एक एक गोल्डन चेन और एक गोल्डन रिंग रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दी गई है। दोस्तों वैसे आपकी क्या राय है इन गिफ्ट के बारे में, और क्या कहना है आपका इस रॉयल मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग के बारे में, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।